Assalamu alaikum, my dear students. The topic about which we are going to talk today in English grammar is a collective noun. As you all know that the noun is the name of a person, place or a thing. तो noun जो है किसी इंसान, चीज़ या किसी जगह का नाम होता है, मतलब किसी जगह या इंसान का नाम जो भी होता है तो ये उसको represent करता है. But here यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एक नया word है, collective noun. So what is this collective noun? Collective noun is a word that's used to represent a group of people, animals or things. तो collective noun जो है ना, ये वो word है जो एक group को represent करता है. कौन सी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? इधर द ग्रुप कैन बी ऑफ पीपल, वो एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है या किसी चीज़ का ग्रुप हो सकता है, ठीक है. तो कलेक्टिव नाउन सिंपली इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. तो मतलब ये वो वर्ड है जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. तो वो इंसानों का ग्रुप हो सकता है, चीज़ों का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का ग्रुप हो सकता है. What's a group? ग्रुप क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, इंसान एक साथ होना, तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है. सो हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड यू विल गेट दिस कलेक्टिव नाउन बाय लुकिंग एट दिस एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन एग्जाम्पल दैट वी हैव हियर इज अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, सो एज यू ऑल नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास. तो मतलब स्टूडेंट्स जो है ना एक साथ होते हैं, ठीक है. तो उन सारे स्टूडेंट्स को हम एक नाम से, मतलब एक नाम देते हैं. तो वो नाम कौन सा है जिससे वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं? तो दैट्स अ क्लास. ओके, तो ये क्लास जो है ना, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन. तो क्लास में क्या होता है कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं ना. तो जब दो या दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं तो उनको हम एक नाम देते हैं. तो एक नाम से वो सारे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स अ क्लास. सो दिस क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. तो यहाँ पर जो क्लास है ना, ये ग्रुप बनाता है, ठीक है. मतलब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं तो उनका ग्रुप बन गया. एज आई टोल्ड यू दैट ग्रुप ग्रुप में क्या होता है कि ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं. तो जब दो या दो से ज़्यादा लोग, दो तीन चार पाँच या दस बीस स्टूडेंट्स जब एक साथ होते हैं ना, तो उनको हम, उन सारे स्टूडेंट्स को एक नाम हम देते हैं. तो दैट्स अ क्लास. सो दिस क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन. हैव अ लुक एट अनदर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है? तो लाइब्रेरी में, एज यू ऑल नो दैट लाइब्रेरी कंटेन्स लॉट्स ऑफ बुक्स, ठीक है. तो लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है. तो बुक्स मतलब आपके पास भी होती है, बट उतनी सारी नहीं होती है ना. कहीं पे भी कोई भी बुक हो सकती है, बट क्या होता है ना कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है. तो जिस जगह पे बुक्स बहुत ज़्यादा हो, या मतलब लाइब्रेरी में अलग अलग किस्म की बुक्स होती हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, तो वहाँ पे मतलब बहुत सारी बुक्स हमें मिलती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की. तो वहाँ पे भी एक बुक्स का एक ग्रुप बनता है. वहाँ पे भी अलग अलग बुक्स का ग्रुप बनता है. इंग्लिश की होती है, उर्दू की, मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट्स की बुक्स होती है वहाँ पर. तो उन सारी बुक्स को हम मतलब एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर हमें बहुत सारी ग्रुप्स ऑफ बुक्स मिलते हैं, मतलब ग्रुप्स के, बुक्स के बहुत सारी मतलब कलेक्शन मिलती है हमें. तो उसको हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट्स लाइब्रेरी. सो दिस लाइब्रेरी इज अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज लाइब्रेरी कंटेन्स अ लॉट्स ऑफ बुक्स. तो अनदर एग्जांपल है यहाँ पर हमें, अ बंच ऑफ कीज़. बंच ऑफ कीज़, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कीज़ जो होते हैं ना, होती है ना चाबियाँ बहुत सारी एक साथ जब होती है, तो उनका भी एक ग्रुप बनता है. कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्रुप क्या होता है, कि ग्रुप में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. तो जब मतलब कीज़ हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा कीज़ हमारे पास होती है ना, एक बंच बनाते हैं वो, ठीक है. तो क्या होता है कि जब बहुत सारी चाबियाँ, दो या दो से ज़्यादा चाबियाँ एक साथ रखी जाती हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड अ बंच. सो दिस बंच इज़ अ कलेक्टिव नाउन. ओके, सो अनदर वन इज़ अ टीम ऑफ प्लेयर्स. एज यू ऑल नो दैट, जैसे कि आप भी कोई गेम खेलते हो, क्रिकेट है फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ क्रिकेट, देयर इज़ वॉलीबॉल, देयर इज़ अ बैडमिंटन, देयर लॉट्स ऑफ गेम्स आर देयर. तो क्या होता है कि हर किसी गेम में प्लेयर्स होते हैं. तो उन सारे प्लेयर, वो जो सारे प्लेयर्स होते हैं ना,
वो क्या करते हैं कि जब प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, ठीक है, तो एक साथ जब प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो वो एक टीम बनाते हैं. सो दिस टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है. तो ये टीम जो है ना, एक कलेक्टिव नाउन बनाता है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि इसमें दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं. तो जब दो या दो से ज़्यादा प्लेयर्स एक साथ खेलते हैं, तो वो एक टीम बनाते हैं. सो दिस टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन. अनदर एग्जाम्पल इज़ अ फ्लीट ऑफ शिप्स. सो दिस फ्लीट इज़ अ कलेक्टिव नाउन. वाई दिस इज अ कलेक्टिव नाउन? बिकॉज फ्लीट मीन्स ग्रुप ऑफ शिप्स. मतलब जब दो या दो से ज्यादा शिप्स एक साथ होती है, दैट्स कॉल्ड अ फ्लीट. सो दिस फ्लीट इज अ कलेक्टिव नाउन. अनदर एग्जाम्पल इज अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक ऑफ शीप मतलब अगर शीप होगा एक, ठीक है, तो उसको सिंपली हम शीप बोलेंगे. बट व्हेन वी सी अ लॉट ऑफ शीप टुगेदर, तो जब हम दो या दो से ज़्यादा शीप एक साथ देखते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक. तो ये फ्लॉक जो है ना, ये ग्रुप ऑफ शीप होता है. मतलब इसमें बहुत सारे शीप होते हैं एक साथ, तो इसको हम फ्लॉक बोलते हैं. एंड दिस फ्लॉक इज़ अ कलेक्टिव नाउन. सो कलेक्टिव नाउन सिंपली इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स.